फ्रेंड्स, क्या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जहां पर आपको एक्सेल पे काम करना पड़ रहा है और एक्सेल का आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है? आप एक बिजनेसमैन है, एक प्रोफेशनल है जहां पर आपको अपना डेटा मेंटेन करना पड़ता है एक्सेल पे, बट एक्सेल का आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग फीचर्स, राइट? तो अगर आप एक्सेल से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है तो फ्रेंड्स उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा, राइट? एक्सेल क्या है, कैसे उसको यूज करना है, उसके बेसिक फीचर्स को आपको कैसे यूज करना है, सो डेट आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग फीचर्स हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल से रिलेटेड। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अपना कुछ काम करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के काफी काम का होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक 5 वीडियो की सीरीज रहेगी। अगर आप एक्सेल पे स्टार्ट कर रहे हैं काम करना या अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, तो ये 5 वीडियो फ्रेंड्स आपके काफी काम की होने वाली है। तो प्लीज फ्रेंड्स इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा, राइट? और उस सीरीज के उस सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए, उसके लिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया है, राइट फ्रेंड्स? तो प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले वीडियो के बारे में बात करते हैं जो हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड है। स्क्रीन आप लोगों के सामने है, क्या करना है फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एक्सेल आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, राइट? एक्सेल इंस्टॉल करने के बाद पहला काम क्या होता है, एक्सेल खोल लिया मैंने। एक्सेल खोलने के बाद फ्रेंड्स इस तरह की कुछ मेरे को एक ब्लैंक शीट नजर आती है जो आपकी स्क्रीन पर है, राइट? अब क्या काम करना है, कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलता हूं। कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले रो क्या होती है, राइट? एक्सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रो होती है और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होते हैं। ये फ्रेंड्स मेरी कॉलम है एंड ये मेरी रो है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है, डिफरेंट डिफरेंट रो है, ये बीच में सारे सेल है फ्रेंड्स, राइट? अलग अलग सेल है, हर सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस आप देखेंगे यहां कॉर्नर में लिखा हुआ आता है D5। D5 मतलब कॉलम D और फिफ्थ रो G9, राइट? G9 मतलब कॉलम G एंड रो नंबर 9। तो ये बेसिकली हर सेल का एक एड्रेस हो गया। यहां पर फ्रेंड्स मैं कुछ भी टाइप करना है मैं टाइप कर सकता हूं, कुछ भी रिपोर्ट बनानी है रिपोर्ट बना सकता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर अपना नाम लिखा, राइट? अमित, मैंने अपना नाम लिखा, मेरे को इसकी एडिटिंग करनी है, राइट? मेरे को एडिटिंग कैसे करनी है, मेरे को इसके फॉन्ट को चेंज करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे होम के अंदर आपके पास एडिटिंग से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। होम के अंदर आपको जाना है, होम के अंदर आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या ऑप्शन नजर आ रहा है जी, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मोटा करके दिखाना है। आपने बोल्ड पे क्लिक किया, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इटैलिक करना है, इटैलिक किया, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, राइट? अंडरलाइन करना है, यू पे क्लिक किया। इनके शॉर्टकट की भी फ्रेंड्स है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, राइट? आप इसके ऊपर जब होवर करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको शॉर्टकट की भी नजर आ जाएगी, कंट्रोल बी, राइट? इसकी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम फंक्शन विद शॉर्टकट की। कुछ कुछ जगह मैंने शॉर्टकट की यहां पर लिख दी है उनके, राइट? वो आपको पता चल जाएंगे बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए इसकी प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस फाइल का लिंक दिया है, वहां से आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो जी, तो यहां से फ्रेंड्स मैं बोल्ड कर सकता हूं, इटैलिक कर सकता हूं, अंडरलाइन कर सकता हूं। फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, अपने स्टाइल का, डिफरेंट टाइप का मेरे को फॉन्ट चाहिए, मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मेरे को अलग टाइप का एक फॉन्ट चाहिए, मैंने क्या करना है फ्रेंड्स इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, राइट? यहां ड्रॉप डाउन पे फ्रेंड्स मैंने क्लिक किया, अलग अलग तरह के मुझे फॉन्ट मिलेंगे, तो मुझे जिस तरह का फॉन्ट चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। मैंने जिस तरह का फॉन्ट सिलेक्ट किया मेरे को उस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, राइट? मेरे को यहां पर फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं फॉन्ट का साइज यहां से बढ़ा सकता हूं, मेरे को जिस साइज का फॉन्ट चाहिए ये मेरे को फॉन्ट का साइज भी बढ़ाकर दे देगा, राइट? मेरे को यहां से जो ए का साइन बना है इससे भी फॉन्ट का साइज बढ़ा सकता हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा साइज बढ़ाता रहेगा, और इस छोटे ए पे क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट के साइज को छोटा करता रहेगा, राइट? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मैंने आपको बता दिया। मेरे को बॉर्डर बनाना है, मैं बॉर्डर भी बना सकता हूं, बॉर्डर मेरे को बॉटम में बॉर्डर चाहिए मैं बॉटम में बना सकता हूं, जैसे ये नीचे एक लाइन बनी आ गई, या मेरे को यहां पर मेरे को टॉप पे बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे, या ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में सब तरफ बॉर्डर बन जाएगा, राइट? तो वो मेरा बॉर्डर बन के आ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे को कलर कर सकता हूँ, कलर फिल कलर मतलब इस सेल के अंदर कलर करना है तो मुझे सेल के अंदर जो भी कलर करना है फ्रेंड्स यहां से मैं कलर कर सकता हूं, ठीक है ना? ए जो बनाए ये फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का मेरा कलर क्या होगा, मैं फॉन्ट का कलर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं, अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं, मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया, राइट? तो इसके अंदर आप देखेंगे यहां पर स्टैंडर्ड कलर, कुछ कलर थीम आ रही है, मोर कलर में आप जाएंगे, हर एक के अंदर मोर कलर का ऑप्शन होता है, वहां पे अपने हिसाब से मल्टीपल कलर के ऑप्शन है चूज कर सकते हैं, ठीक है जी? देन फ्रेंड्स अलाइनमेंट, आपको अपना जो डेटा है उसका अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट करना है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ, आप ये देखेंगे यहां से आप जब इस तरह का एरो आएगा तो आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं कॉलम की, सेम वे आप रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं, जब इस तरह का फॉन्ट, जब इस तरह का आपका कर्सर आएगा, राइट? देखेंगे आप कर्सर आ रहा है इस तरह का, तो आप फॉन्ट को कम या ज्यादा कर, आप इसकी कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं या रो की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया,
मेरे को अब क्या करना है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाए। मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये सेंटर में हो गई। मैं चाहता हूं राइट हो जाए, राइट में हो गई। मैं चाहता हूं लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट। तो ये फ्रेंड्स तीन जो है अलाइनमेंट, ये मेरी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं। मैं वर्टिकली भी अलाइन करना चाहता हूं, वर्टिकली। मेरे ऊपर इसमें डेटा में स्पेस है, देखेंगे। मैं वर्टिकली, ये ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है। वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब मैं वर्टिकली इसको सेंटर पर रखना चाहता हूं, सेंटर पर रख सकता हूं। अभी मैंने टॉप पे दबाया, टॉप पे हो गया। सेंटर पर रखना चाहता हूं, सेंटर वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखो सेंटर पे आ गया। तो मेरे को वर्टिकली सेंटर रखना है और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर रखना है, तो दोनों सेंटर पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल सेंटर पे आ गया, राइट। मेरे को वर्टिकली जो है बॉटम पे रखना है, राइट। वर्टिकली बॉटम पे रखना है बट हॉरिजॉन्टली सेंटर पर रखना है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास अलाइनमेंट चेंज करने के ऑप्शन होते हैं कि मैं अपने डेटा को किस तरह से दिखा सकता हूं, राइट। तो काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट, अलग अलग तरह के ऑप्शन है। जैसे इस तरह से मैं चूज करूंगा तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा कुछ नाम दिखाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ाता हूं जिससे क्लियर नजर आए। कुछ इस तरह का भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं इसके अंदर फ्रेंड्स। वापस से इसको मेरे को डिफरेंट तरीके से दिखाना है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। वर्टिकल मेरे को इस तरह से अमित दिखाना है, मैं इस तरह से अमित दिखा सकता हूँ लिखा हुआ, राइट। तो ये ऑप्शन फ्रेंड्स इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ से मैं वापस अपने पुराने डेटा पे आ जाता हूँ। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा फ्रेंड्स, वापस जो स्टेप मैंने लिए थे उनको वापस ले आएगा। मैंने कंट्रोल जेड, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से एक एक स्टेप वापस जा रहा है। फिर कंट्रोल जेड किया, एक स्टेप पीछे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, मैंने कंट्रोल जेड किया, फिर कंट्रोल जेड, ये वापस से उस अलाइनमेंट को हटा दिया इसने, राइट। तो कंट्रोल जेड फ्रेंड्स आपके डेटा को वापस उसी शेप में ले आता है, रिवर्स करता है, राइट। अंडू, बेसिकली कंट्रोल जेड अंडू के लिए, रीडू, एक रीडू होता है कि जो मैंने किया कंट्रोल जेड किया, रिवर्स किया, वो गलत रिवर्स कर दिया, मेरे को रिस्टोर करना है, वापस उसी को लेके आना है। मैं कंट्रोल वाई से वापस, राइट। तो कंट्रोल जेड जो भी आपने कमांड दिया उसको रिवर्स करना है। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड के थ्रू मैंने कुछ गलत रिवर्स कर दिया, उसको वापस से रिस्टोर करना है, तो कंट्रोल वाई, ठीक है ना। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, फर्क समझ में आ गया होगा, राइट। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, वापस आ जाता हूं। तो ये फ्रेंड्स अलाइनमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर वन, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पर कोई बड़ा टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा माय नेम इज अमित जैन, माय नेम इज अमित जैन, आप देखेंगे सेल से बाहर चला गया। मैं चाहता हूं विद इन सेल फिट हो जाए, विद इन सेल फिट हो जाए। तो मैं यहां फ्रेंड्स इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। रैप टेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मल्टीपल लाइन क्रिएट करके उसके अंदर विद इन सेल टेक्स्ट आपके टेक्स्ट को एडजस्ट कर देता है। इसकी हाइट को आपको थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ सकता है क्योंकि इसने पूरा एडजस्ट कर दिया है, राइट। तो रैप टेक्स्ट के थ्रू मैं अपने डेटा को एडजस्ट कर सकता हूं। ये फ्रेंड्स होता है यहां पर मर्ज एंड सेंटर। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, पहले वापस आ जाता हूं, कंट्रोल जेड। मैं रैप टेक्स्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मेरा डेटा ऐसे ही दिखे। तो जितने भी सेल में आता है मैं उतने सारे सेल में, मैं चाहता हूं ये सारे सेल एक बन जाएं, जिससे कि जो सारा डेटा है वो एक ही सेल में फिट हो जाए। रैप टेक्स्ट में वो विद इन एक सेल फिट कर देता है। मर्ज में क्या करेगा, ये मेरे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल के अंदर ये मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके उनको एक सेल बना देगा और उसमें फिट कर देगा। मैंने यहां पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इसने इतने सारे जो सेल थे सी से लेकर कॉलम जी तक के जो मल्टीपल सेल मैंने सेलेक्ट किए थे उन सब पे मेरा फिट कर दिया डेटा, राइट। तो ये भी फ्रेंड्स मैं कर सकता हूं। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने मर्ज किया। तो मर्ज के अंदर भी फ्रेंड्स अलग अलग ऑप्शन होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस। तो अलग अलग फ्रेंड्स इनको ट्राई एक बार करके देखना, क्लिक करके देखना, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। देन फ्रेंड्स नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना है, नंबर फॉर्मेटिंग में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं कुछ नंबर यहां पर लिख लेता हूं, मैंने लिखा 1000, 10000, 20000, 30000, मैंने कुछ ये नंबर यहां पर लिख लिए, राइट। अब यहां पर फ्रेंड्स नंबर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे इस कोमा पे मैं जब क्लिक करूंगा तो आपको एक तो इसने डेसिमल दे दिया, टू डेसिमल तक नंबर दिखा दिए, साथ में जो कोमा सेपरेटर होता है इसने वो लगा दिया, राइट। परसेंटेज के साइन पे क्लिक करूंगा तो आगे परसेंटेज लग जाती है, राइट। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, राइट। यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे करेंसी के सिंबल है, राइट। तो आपको इंग्लिश रुपीज दिखाना है तो आपका करेंसी का सिंबल यहां पर आ जाता है। तो अलग अलग करेंसी के फ्रेंड्स ऑप्शन भी अपने पास यहां पर आते हैं, राइट। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट है, आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको मोर फॉर्मेट में ले जाएगा। यहां पर मैं अभी आऊंगा इस विंडो के ऊपर थोड़ी देर में। देन फ्रेंड्स यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल, यहां पर टू डेसिमल है, यहां पर मेरे को डेसिमल इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने हैं। जैसे इंक्रीज करने हैं, मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा, एक एक डेसिमल आपका कोई नंबर, कई बार फॉरेक्स हम रेट यूज करते हैं, फॉरेन करेंसी के रेट वो मल्टीपल डेसिमल में चलते हैं, या कुछ ऐसे रेट हैं जो डेसिमल में ही होते हैं, वो मैं चाहता हूं 4 डेसिमल तक दिखाए, 5 डेसिमल तक दिखाए, तो यहां पर आप डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं।
या आपको डिक्रीज करने हैं, आपको एक ही डेसिमल देखना है या नहीं देखना है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट आपको जो डेटा है वो जनरल फॉर्मेट में है, ये नंबर है, ये करेंसी है, यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास डेट टाइम के ऑप्शन भी है, वो मैं अभी एक जगह जाकर और यूज करूंगा तो आपको दिखाऊंगा, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन हम लोग सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे क्योंकि अपने आप में इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनेगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रेंड्स मैं सेपरेट एक वीडियो में कवर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, बट दोबारा फ्रेंड्स एक वीडियो में मैं शेयर कर लूंगा, राइट फ्रेंड्स। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट के सेल्स के ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या है, इंसर्ट सेल, मेरे को सेल इंसर्ट करना है, मैं इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पे मैंने रखा और मैंने सेल इंसर्ट किया तो आप देखेंगे ये सेल इंसर्ट कर रहा है, राइट। डिलीट पे क्लिक किया तो ये डिलीट कर रहा है सेल को, राइट, सेल को डिलीट कर रहा है। यहां पर फ्रेंड्स अलग अलग ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट रो, तो ये पूरी रो को इंसर्ट करेगा, राइट। यहां पर ये सेल इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट रो के थ्रू ये पूरी रो इंसर्ट करेगा, कॉलम में पूरा कॉलम इंसर्ट करेगा, राइट। इंसर्ट शीट में मेरे को नीचे एक शीट चाहिए, वो शीट इंसर्ट कर देगा, जैसे शीट टू आ गई हो, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं इंसर्ट डिलीट या फॉर्मेट को यूज कर सकता हूं। फॉर्मेट के अंदर मेरे को रो की हाइट जो मैं यहां से कर्सर के थ्रू कर रहा था वो यहां से भी मैं डिसाइड कर सकता हूं, रो की हाइट कितनी होगी, कॉलम की विड्थ कितनी होगी, राइट। तो प्लीज फ्रेंड्स इसमें कुछ बेसिक फंक्शन है, मैं सारे नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप प्लीज इन पे क्लिक कर करके ट्राई करना, ट्राई करोगे आप डेटा के अंदर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली फंक्शन कैसे काम कर रहा है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा, किसी भी आइटम के ऊपर राइट क्लिक जब आप करेंगे तो यहां पर आपके पास एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है, फॉर्मेट सेल, शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल वन, तो मैंने कंट्रोल वन दबाया, कंट्रोल वन जब मैं दबाता हूं फ्रेंड्स ये फॉर्मेट सेल खुल जाता है, या मैं राइट क्लिक करता हूं और फॉर्मेट सेल करता हूं तब भी ये फॉर्मेट सेल खुल जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे नंबर, अलाइनमेंट, तो जो ऑप्शन फ्रेंड्स मैंने यहां पर अलाइनमेंट देखा वो अलाइनमेंट का यहां पर भी है, आपको अलाइनमेंट कैसे करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, राइट, रैपटेक्स, मर्ज सेल, श्रिंक, मल्टीपल ऑप्शन, या टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, जो हम यहाँ से कर रहे थे, राइट, वो टेढ़ा तो दिख रहा था, राइट, वो आप डायरेक्शन यहाँ से कितना डिग्री पे आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ से पॉसिबल हैं। फॉन्ट के स्टाइल आपको चेंज करने हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, स्ट्राइक थ्रू, उसमें एक स्ट्राइक बन के आ जाएगी लाइन के अंदर, फ्रेंड्स प्लीज इस पर क्लिक कर करके देखना, तो ये ऑप्शन यहाँ से भी आपके पास आते हैं सारे। बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, तो एडिटिंग के जो ऑप्शन थे वो लिमिटेड थे, जब आप इस विंडो पे आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आने शुरू हो जाते हैं। फिल, कौन सा कलर चाहिए, प्रोटेक्शन के ऊपर फ्रेंड्स सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आगे फिर दोबारा शेयर कर लूंगा, राइट। तो प्रोटेक्शन की आज बात नहीं करेंगे, काफी डिटेल टॉपिक है ये, राइट। नंबर के अंदर फ्रेंड्स आपको जनरल नंबर, करेंसी, कौन सी करेंसी चाहिए, अलग अलग तरह की, इसके अंदर कितने डेसिमल तक चाहिए, अकाउंटिंग, राइट, डेट टाइम के बता देता हूँ जो मैंने अभी कवर नहीं किया, बाकी आप एक बार इसको ट्राई करना, राइट। डेट टाइम के अंदर क्या है फ्रेंड्स, सपोज मैंने यहाँ पर कोई डेट लिखी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 जनवरी 2020, मैंने यहाँ पर लिखा 1 जनवरी 2020, अब ये इस फॉर्मेट में आया, मेरे को ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, कुछ और फॉर्मेट चाहिए डेट का, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, कंट्रोल वन किया मैंने, ये राइट क्लिक करके इस फॉर्मेट सेल में चला गया, यहाँ पर फ्रेंड्स इस डेट में आऊँगा, इस डेट के अंदर मेरे को इस डेट को किस फॉर्मेट में दिखाना है, यहाँ देखो कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप ऐसे दिखाना चाहते हो, आप इस तरह से कैसे अपने डेटा को दिखाना चाहते हो, या फिर कई बार फ्रेंड्स हम लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, इंग्लिश इंडिया की जगह आप इंग्लिश यूएस पे आ जाओ, ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, मैं इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है, 14-March, राइट, ये वाला, तो इनमें दो फॉर्मेट है, आप यूज कर लीजिएगा इनमें। पहले फॉर्मेट में जो है आप देखेंगे वन जो है ऊपर सैंपल में, वन से पहले जीरो था वो चला जाता है, आपको टू डिजिट दिखाना है, यानी कि जो सिंगल डिजिट नंबर हो 1, 2, 3, 9, वो 0901 दिखाए तो आप ये वाला चूज करेंगे, आप चाहते हैं सिंगल डिजिट ही दिखाए तो आप ये चूज करेंगे, ठीक है ना। मैं दूसरा वाला चूज कर रहा हूँ, मेरा ये फेवरेट है ये वाला, मैं ज्यादातर यही वाला यूज करता हूँ, ओके। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स आप इसको डेट को चेंज कर सकते हैं। सेम वे फ्रेंड्स आपने कोई टाइम लिखा है तो टाइम के भी ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल है, प्लीज उसको आप ट्राई जरूर कीजिए। अपने डेटा में फ्रेंड्स आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, आप पूरे कॉलम को इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो जहां भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है उसके बाद वाला, सपोज मेरे को कॉलम सी से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं कॉलम सी को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का, तो बेसिकली आप यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाता था। सेम वे मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, पूरी रो को राइट क्लिक किया और मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो जाता है। शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूं फ्रेंड्स, मेरे को पूरी रो को सेलेक्ट करना है, मैंने कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट किया, मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, अब इस कॉलम के आगे मुझे एक कॉलम को इंसर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस
कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैं प्रेस करूंगा तो मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। सेम पे फ्रेंड्स मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, मैं शिफ्ट स्पेस सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट स्पेस प्रेस करूंगा, मैंने शिफ्ट स्पेस प्रेस किया तो मेरी पूरी रो सेलेक्ट हो गई। राइट, मेरे को रो इंसर्ट करनी है तो हमेशा जहां पर भी मेरे को रो इंसर्ट करनी है उसके नीचे वाली रो को मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये रो इंसर्ट करेगा इसके ऊपर। तो मैंने रो नंबर 10 को सेलेक्ट किया, मेरे को इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं अब क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने, शॉर्टकट की फ्रेंड्स मुझे यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो मेरे को चाहे रो इंसर्ट करनी है, चाहे कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने की शॉर्टकट की सेम है, सेलेक्ट करने की डिफरेंट है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है फ्रेंड्स, सपोज मेरे को एक कॉलम डिलीट करना है तो मेरे को कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा। सेम वे मुझे ये रो को सेलेक्ट किया और मेरे को उसको डिलीट करना है कंट्रोल माइनस, तो कंट्रोल माइनस से चाहे रो सेलेक्ट किए रो डिलीट हो जाएगी, कॉलम सेलेक्ट किया मैंने कॉलम डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर मैंने किसी सेल को कॉपी करना है तो मैं कॉपी भी कर सकता हूं, जैसे ये जो डेटा है यहां पर 10,000 लिखा है, मेरे को इसको कॉपी करना है, कॉपी किया कंट्रोल सी, सिंपल कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकता हूं। या फ्रेंड्स आप यहां पर देखेंगे होम के अंदर ये क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर आपके पास कॉपी का ऑप्शन आता है, ये कॉपी आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल सी देखेंगे शॉर्टकट की आपकी स्क्रीन पर यहां लिखी हुई आ रही है कंट्रोल सी। तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, चाहे यहां पर क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया। अब मेरे को इसको कहां पर लिखना है, राइट, मैं सेम कॉपी कहीं और करना चाहता हूं, तो मैं जहां पर भी कॉपी करना चाहता हूं मैं उस सेल पे जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा और मेरे को शॉर्टकट की यूज करनी है कंट्रोल वी, विक्ट्री वाला वी है, कंट्रोल वी प्रेस किया तो फ्रेंड्स यहां पर ये डेटा पेस्ट हो जाता है। राइट, एंड पेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स दूसरा एक यहां से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल फ्रेंड्स यहां से मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर मेरे को पेस्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर फ्रेंड्स ये आप देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाता है। तो आप चाहे वो ऊपर मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं या आप शॉर्टकट की से काम थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा कि शॉर्टकट की ज्यादा ज्यादा यूज हो। ठीक है जी, कट करना है, एक डेटा यहां पर लिखा है, मैं चाहता हूं यहां पर ना रहे, ये कहीं और चला जाए, कट करके कहीं, कॉपी में क्या होगा यहां तो है ही, कहीं और भी चला जाए, कट में यहां ना रहे कहीं और चला जाए, तो मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा कंट्रोल एक्स या फिर यहां पर ये कैची बनी हुई है ना, कैची सीजर, तो इसको प्रेस करना है। राइट, कट हो गया, कहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है जी, और पेस्ट कर दो, कट पेस्ट, तो पेस्ट की शॉर्टकट की वही है कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, तो मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो डेटा यहां से 30,000 था वो यहां आ गया। राइट, तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कट पेस्ट यूज कर सकते हैं, जहां डेटा को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड फीचर्स, आई होप आप लोगों के काफी काम आएंगे, स्पेशली जो लोगों ने अभी एक्सेल पे काम करना स्टार्ट किया, राइट, उनके काफी काम के ये फीचर, क्योंकि ये सारे फीचर फ्रेंड्स आप जो मर्जी काम करें एक्सेल के अंदर, राइट, हर जगह आपके काम आने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक का बटन है नीचे, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो अगर वाकई में आप लोगों को पसंद आया, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप लोगों को आगे भी और भी मिलती रहे, राइट, एक्सेल पे आप लोग लर्न और भी करना चाहते हैं मेरे साथ, बेसिक टू एडवांस, राइट, अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस आप चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल होगा, एक घंटी बनी होगी फ्रेंड्स, उस घंटी पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उस घंटी पर जब आप क्लिक करते हैं तो रियल टाइम आप लोगों को मेरी वीडियोस जब भी मैं पब्लिश करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा। एंड फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्वाइनिंग लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब वक्त है लास्ट वीडियो का, जो एक गिव अवे था जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था, लास्ट वीडियो जो था मेरा गिव अवे का लास्ट वीडियो था, उसके जो विनर है उनके नेम आपको इस वीडियो में मेरी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो अगर आपके नाम उसके अंदर है तो बहुत बढ़िया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फ्रेंड्स चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।